कसौटी पर खरा पाते हो उसको वोट दें। स्वतंत्र रूप से जिस प्रत्याशी को पसंद करें वोट करें। प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया ने मीटिंग की। मीटिंग में राजा भैया अपनी पार्टी के समर्थकों नेताओं कार्यकर्ताओं से वोट देने की अपील करते हुए नजर आए और कहा कि नोटा नहीं बल्कि वोट दें। राजा भैया ने मीटिंग में बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का सम्मान किया। अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों से ही अच्छे रिश्ते का संदेश उन्होंने दिया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी संसदीय चुनाव में घोषणा नहीं लड़ता। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का मतदाताओं का और शिक्षकों का कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है। सबसे राय लेने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि राजा भैया ने अपने आवास में अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसके पहले सपा पुष्पेंद्र सराज और बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ मिले थे और समर्थन मांगा था। देखिए प्रतापगढ़ कुंडा के राजा भैया जिन पर लगातार अटकलें चल रही थी कि किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी में जाएंगे, अखिलेश से दोस्ती कायम करेंगे फिर से या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, वो सारी अटकलें आज राजा भैया के एक ऐलान ने खत्म कर दिया। इसके पहले जहां राजा भैया ने अपनी बेटी कोठी पर हम दिखाना चाहेंगे, देखिए जहां खड़े हैं ये राजमहल है, बेटी राजमहल है जहां राजा भैया का राजमहल है। यहां उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई थी, विशाल जनसभा, जिसमें विशाल जनसभा की थी। उन्होंने इतने कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ऐलान किया कि आप स्वतंत्र रूप से जिस दल के प्रत्याशी को पसंद करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य, आप उसको वोट देने के लिए स्वतंत्र है और निश्चित रूप से आप उसी को वोट दीजिए जो आपकी कसौटी पर खरा उतरता हो, लेकिन नोटा का प्रयोग मत करिए, मतदान का प्रयोग अवश्य करिए। राजा भैया ने यह भी अपील की, जिस तरह से बातें चल रही थी कि राजा भैया के समर्थक नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, उन सारी बातों को राजा भैया ने अपने ऐलान से खारिज कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में जहां भारतीय जनता पार्टी से उनकी दोस्ती बनी रहने वाली है, वहीं अखिलेश यादव से भी दोस्ती की संभावनाओं के द्वार को उन्होंने खोले रखा। शुभ